रामपुरा में पीट पीट कर 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इसके विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीणों परिजनों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और काफी घंटे तक प्रदर्शन करते रहे। हंगामे और काल सुनी के बीच परिजनों ने मांग रखी कि आरोपियों के मकान तोड़ने चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, साथ ही पीड़ित परिजनों को मुआवजा राशि दी जाए। इस मामले में जब मौके पर थाना प्रभारी आजाद सिंह आनंद पहुंचे तो उन्होंने परिजनों को समझाया और पूरे मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। मंगलवार देर रात 55 वर्षीय मन्ना लाल की सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह PM के बाद परिजनों ने सबको घर न ले जाते हुए रामपुरा में सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस उन्हें समझाने में लगी हुई थी, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े थे और आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग रख रहे थे, साथ ही मुआवजा देने की भी मांग रखी गई। इस पूरे मामले में नीमच से वरिष्ठ अधिकारी रामपुरा पहुंच रहे हैं। उनका घर टूटना चाहिए, उसका मकान तोड़ो, क्या करेंगे वो? आपकी क्या मांगे हैं प्रशासन से? क्या मांगे जिन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आपकी क्या मांगे? उनका मकान टूटना चाहिए, अगर हमारा घर उनका भी मकान हमारी मांग ये है। आएंगे यहाँ पे उनके घर तोड़वाएंगे, उनकी जमानत कभी नहीं होगी। आजीवन 302 लगे वे अवगत करा चुके हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट की थी रात में 302 का प्रकरण पंजीबद्ध है। तत्काल राउंडअप, 6 आरोपियों के नाम लिखा है, 6 आरोपी राउंडअप है, पुलिस के द्वारा पूरी कार्रवाई की गई है और ये इनकी जो मांगे हैं वो वरिष्ठ अधिकारियों को बताए गए हैं। जो भी इनकी जायज मांगे होंगी, जो सहायता कानून के तहत दी जानी, वो उनको सारी सहायता और मिलेगी उसमें सहायता, और बाकी वरिष्ठ अधिकारियों का जैसा आदेश होगा वैसी कार्रवाई। रामपुरा से नीमच टुडे के लिए रियाज मंसूरी की रिपोर्ट।